लीजिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वाकई बड़ी खबर, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। बरसाना में राधा रानी से आकर माफी मांगी। राधा रानी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, दंडवत प्रणाम कर उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी। प्रदीप मिश्रा के वो वचन जिसको लेकर उन्होंने राधा रानी के विवाह को लेकर बातें कही थी, राधा रानी के घर को लेकर बातें कही थी, बरसाना को लेकर कहा था कि वो साल में एक बार जाती हैं, बरस में एक बार आना, लिहाजा बरसाना, वो पहुंचे बरसाना। कथावाचक प्रदीप मिश्रा इस वक्त दिख रहे हैं, लोगों के सामने मौजूद हैं, माफी मांगी है राधा रानी से। इससे पहले धर्म पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी, उसमें कहा गया था कि दंड दिए जाने की तैयारी है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को तस्वीर, राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो। तो आपने देखा, उन्होंने कहा राधा रानी से माफी मांगी और कोई त्रुटि हुई हो तो। चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ ना हुआ और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी